देश में बीजेपी के सामने खुद को सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनाने की कोशिश में जुटी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने कांग्रेस को जबरदस्त झटका दिया है। टीएमसी ने मेघालय में पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत 12 एमएलए अपनी पार्टी में शामिल कर लिए हैं। कांग्रेस के 18 विधायक थे जिनमें से अब केवल 6 बचे हैं, यानी बिना चुनाव लड़े ही टीएमसी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार दल बदलने के लिए 2/3 का आंकड़ा पूरा करना जरूरी होता है। ऐसे में टीएमसी ज्वाइन करने वाले मुकुल संगमा समेत सभी विधायकों की विधायकी पर भी कोई खतरा नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक मेघालय के पूर्व सीएम रहे मुकुल संगमा पार्टी के हाईकमान से नाराज चल रहे थे क्योंकि उनसे चर्चा किए बिना विंसेंट एच पाल को मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रमुख बना दिया गया था। राहुल गांधी ने तब अक्टूबर में इस मुद्दे पर मुकुल संगमा और विंसेंट एच पाल से मुलाकात की थी। उसके बाद लगा था कि विवाद अब सुलझ गया है, लेकिन एक महीने बाद ही मुकुल समेत 12 विधायक कांग्रेस को छोड़ गए। बताते चले कि टीएमसी इन दिनों पूरे देश में पार्टी विस्तार में जुटी हुई है। उसने गोवा में पूर्व सीएम लुइजन फ्लेरियो को पार्टी में शामिल किया। वहीं हरियाणा से कांग्रेस नेता अशोक तंवर और दिल्ली से बीजेपी के बागी नेता रहे कीर्ति आज़ाद को अपने साथ जोड़ा है। टीएमसी ने असम और त्रिपुरा में भी तेज़ी से अपना विस्तार किया है। माना जा रहा है कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की नज़र 2024 में होने वाले संसदीय चुनावों पर है। पार्टी विस्तार के जरिए 2024 में टीएमसी कांग्रेस के बजाय खुद को बीजेपी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बनाना चाहती है। विभिन्न राज्यों में बड़े नेताओं को अपने साथ एकजुट करने में लगी हुई हैं। विधायकों के दल बदल को कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना गया है। कांग्रेस का कहना है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस तरह के प्रयासों से कमज़ोर नहीं होगी। इसके जवाब में टीएमसी ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर हमला बोला है। टीएमसी ने आज सबसे पुरानी पार्टी को अक्षम बताया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र में अक्षम कांग्रेस शीर्षक वाले संपादकीय में कहा कि वह अन्य राज्यों में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने कांग्रेस को एक विफल पार्टी बताया है क्योंकि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने में विफल रही है और विपक्षी एकता के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस अपने वातानुकूलित कमरों और सोशल मीडिया तक सीमित है। संपादकीय में कहा गया कि टीएमसी सुप्रीमो भाजपा के खिलाफ एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय गठबंधन चाहती है। हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बिना एक विपक्षी गठबंधन बनाया जाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस अपना कर्तव्य नहीं निभा सकती तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उनकी अक्षमता के लिए दोष ना दें।